A very good morning, dear kids. I am Mrs. Ila Gokani, your Hindi teacher for this session. I welcome you all in today's very first online class for Hindi subject at Tata KM DAV Public School, Mithapur. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Do take very good care of yourselves, children. So children, आप लोगों ने UKG में हिंदी स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ लिया है. अ आ ई ई क ख ग घ ये सब पढ़ लिया है, मुझे पता है. तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए ये स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ध्वनि क्या है ना, और वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, ये जो सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं फॉर हिंदी लैंग्वेज, इसको हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बेसिक थिंग टू लर्न द लैंग्वेज. ओके, लैंग्वेज पढ़ने के लिए उसके स्वर, वर्ण, वर्णमाला, व्यंजन, उसके बारे में, ये बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बेहद ज़रूरी होता है. तो आइए हम शुरू करते हैं. वर्ण, वर्णमाला. अब आप सोचेंगे ये क्या टीचर ने बताया, वर्ण, वर्णमाला क्या है. बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाती हूँ. ओके, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, है ना, वैसे आप कुछ बोलते हैं तो हम सुनते हैं. तो ये बोलते वक्त हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं, है ना, उसे कहते हैं ध्वनि. सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है ध्वनि लैंग्वेज के लिए. ओके, तो ये ध्वनि, आवाज़, साउंड हम बोलते हैं तब हमारे गले से निकलती है. इन्हीं ध्वनि को लिखने के लिए बहुत सालों पहले मनुष्य ने कुछ सिंबल्स बनाए. हम क ख ग घ लिखते हैं ना, आप पढ़ते हो, लिखते हो, UKG में पढ़ा है ना, ये क ख ग घ ये क्या है. जैसे हम क की ध्वनि निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो क को किस तरह से लिखा जाना चाहिए वो सालों पहले मनुष्य ने सिंबल बना दिए कि ये क है, ये म है, ये प है. ओके, तो इन्हीं सिंबल्स को वर्ण कहते हैं. सो सिंपल, आ गया समझ में. वर्ण किसे कहते हैं? हम कोई भी ध्वनि निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं बोलते वक्त, उन्हीं आवाज़ों को सिंबॉलिक रूप देकर सालों पहले इंसान ने ही वर्ण बनाए, है ना. जो अक्षर हम लिखते हैं वो वर्ण है. आ गया समझ में. और इन सारे वर्णों को हम मिला देते हैं, है ना, वर्ण के समूह, ग्रुप को वर्णमाला कहते हैं. गॉट इट ऑल ऑफ यू? अब ये वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला में स्वर एंड व्यंजन आते हैं, सारे स्वर, सारे व्यंजन. ओके, ये दोनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है. अब वर्णमाला का पहला पार्ट यानी कि स्वर, ये स्वर क्या है इसके बारे में मैं समझाती हूँ आपको. ध्वनि, वर्ण और वर्णमाला के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा. ओके, अब हम वर्णमाला में क्या क्या होता है. तो स्वर एंड व्यंजन कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन सब मिलाकर. तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हैं स्वर. ओके, अब आप सोचते होंगे ये स्वर क्या है,
है ना? बच्चों टेंशन मत लो, ये सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आपको धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते जाओगे ये सारी चीज़ें आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये स्वर क्या होते हैं? चिल्ड्रन, जब हम अपने गले में से आवाज़ निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, तब ध्वनि की जो साउंड क्रिएट होती है ना, वो जो बिल्कुल इजीली क्रिएट हो, ऐसी साउंड्स को स्वर कहते हैं। हवा के कारण बिल्कुल रुकावट ना आए, इस तरह से हमारे गले में से जो साउंड निकलती हैं बिल्कुल इजीली, उसी को हम स्वर कहते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। चिल्ड्रन, हमारे घर में, आपके घर में जैसे एक छोटा भाई बहन, छोटा बच्चा है, मान लो कुछ 6-7 मंथ का है, तो ये छोटा बच्चा लेटे लेटे जब खेलता होता है ना, अब आप ऑब्जर्व करना, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, आसपास में कहीं है, तो आप देखना वो बच्चा आसानी से ऐसी आवाज़ें निकालता है। तो इसी तरह ये स्वर का उच्चारण करता है ये बच्चा, क्योंकि स्वर का उच्चारण मैंने अभी बताया ना, बिल्कुल आसानी से गले में हवा की रुकावट के बिना निकलता है। ठीक है, तो ऐसे जो आसान ध्वनि हमारे गले में से निकलती है उन्हीं को हम स्वर कहते हैं, जो एक बिल्कुल छोटा बच्चा भी सबसे पहले निकाल पाता है ना? सबसे पहले छोटा बच्चा स्वर ही बोलना सीखता है, उसके बाद उसके गले के जो पार्ट्स हैं, अवयव है, वो बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाने के बाद दूसरे अक्षर, दूसरे वर्ण यानी कि व्यंजन बच्चा सीखता है। सबसे पहले तो शुरुआत में स्वर से ही आवाज़ें निकालता है ना? कोई ऐसे बोलते हैं सबसे पहले बच्चा माँ बोलना सीखता है, तो ये गलत बात है। सबसे पहले बच्चा स्वर की आवाज़ें निकालता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया स्वर क्या है, है ना? बिल्कुल सिंपल। तो आइए अब हम ये स्वर का उच्चारण करते हैं, और आप भी मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये अ आ ई ई ओ ऊ रि ए ऐ ओ औ, यानी कि 11, ये कुल मिलाकर 11 स्वर है। अब आप सोचेंगे ये दोनों क्या है, ये और ये अंग और अह, ये दोनों स्वर नहीं है चिल्ड्रन। ये लिखा जाता है ज़रूर, आपकी बुक में भी लिखा होगा, स्वर के साथ ही ये लिखा जाता है, पर ये स्वर नहीं है, स्वर 11 होते हैं, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। ओके, पर ये दोनों क्या है, ये इसके बारे में भी मैं आपको ध्यान से विस्तार से समझाऊंगी, बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो फिलहाल आपको याद रखना है कितने स्वर होते हैं हिंदी लैंग्वेज में, 11, वेरी गुड। अभी ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, समझ में आ गया आपको, वेरी नाइस। और स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11, वेरी गुड। ओके, तो आपको स्वरों के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। एक बार और समझा दो। ओके, जब हम हमारे गले में से कोई ध्वनि आवाज़ निकालते हैं, तब वो आवाज़ क्रिएट होते वक्त हमारे मुंह से निकलने वाली हवा के कारण उसमें बिल्कुल रुकावट नहीं होती, है ना? एकदम सिंपल तरीके से आवाज़ हमारे गले से बाहर निकलती है, हवा के कारण रुकावट नहीं होती, ऐसे ध्वनियों को स्वर कहते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले स्वर सीखते हैं।
मैंने बताया ना, छोटा बच्चा भी सबसे पहले स्वर से ही शुरुआत करता है बोलते वक्त। तो हम भी इसीलिए सबसे पहले क्या सीखते हैं? स्वर सीखते हैं। ओके, लैंग्वेज में सबसे पहले स्वरों को सीखा जाता है इसी के कारण। ओके, उसके बाद व्यंजन सीखते हैं। तो और ये है व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णमाला होती है। वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया आपको। ओके, तो हमने स्वर और व्यंजन दोनों सीख लिए, है ना। स्वर के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ाया, अभी व्यंजन के बारे में मैं आगे की जो वीडियो हम रेडी करेंगे उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी आपको। मैं कुछ वर्क देना चाहती हूँ बच्चों, आप करोगे ना? वेरी गुड, मुझे पता है आप बिल्कुल मना नहीं करोगे। बिल्कुल सिंपल सी वर्कशीट तैयार की है मैंने, आपको क्या करना है ये देखिए। वर्कशीट मैंने लिखा है, रीड स्वर एंड व्यंजन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको मैंने अभी स्वर और व्यंजन दिखाए ना, और आपने UKG में पढ़ भी लिया है, ये आपको रीडिंग करना है। क्या करना है? रीड करना है स्वर एंड व्यंजन दोनों को विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, इसमें से भी आप वीडियो में से भी इस तरह से देख सकते हैं, है ना। ये व्यंजन है, ये स्वर है। स्वर मैंने अभी अभी आपको पढ़कर सुना दिया, अभी मैं व्यंजन भी आपको अभी पढ़कर सुनाती हूँ। ओके, आपको इसी तरह रीड करना है, पहले ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। क ख ग घ अंग, च छ झ झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह क्ष त्र ज्ञ। तो ये सारे व्यंजन है। अभी व्यंजन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें व्यंजन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बताऊंगी। ओके, और आज की आपकी वर्कशीट क्या है, आपको क्या करना है? ये स्वर और व्यंजन मैंने अभी अभी पढ़कर सुना है ना, वो आपको फिर से एक बार करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके रीड करना है। ओके, आज का आपका वर्क बस इतना ही, रीडिंग करना है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड टुडे। हमने आज क्या क्या पढ़ा बच्चों, आपको याद होगा? मैं याद करवा दूँ एक बार फिर से। सबसे पहले हमने पढ़ा ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण। वर्ण में कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में? यस, 52। वेरी गुड। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, और वो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 52। और स्वर किसे कहते हैं, कितने स्वर होते हैं? 11। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे।